दुनिया का सबसे बड़ा विवादित शो, कॉन्ट्रोवर्शियल शो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान के शो बिग बॉस की। बिग बॉस हमेशा ही लाइमलाइट में बना रहता है, हर साल की तरह इस बार भी बिग बॉस में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि सलमान खान हर बार शो में वीकेंड के वार पर आते हैं और हमेशा ही कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कभी कभी हंसी मजाक भी करते हैं तो कभी इन कंटेस्टेंट को प्यार से समझाते हुए भी दिखते हैं। हर बार की तरह इस बार भी शो में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शो में देखा जाए तो स्टार्टिंग से कभी किसी कंटेस्टेंट के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है तो कभी बाद में चलकर दुश्मन भी यहाँ पर गले मिल जाते हैं। जो लोग स्टार्टिंग से लेकर अब तक फ्रेंडशिप निभाते आ रहे हैं तो कहीं उनकी फ्रेंडशिप में बीच में दरार भी पड़ जाती है। ऐसे में यहाँ पर टीम बनती हुई भी नजर आती है। बता दें आपको, बिग बॉस में हर बार की तरह इस बार भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। इस बार भी शो में लगातार लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सलमान खान जब भी वीकेंड के वार पर आते हैं तो इन सभी को समझाते हैं। जहां पर एक दो दिन तक सब कुछ ठीक चलता है और फिर से इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला इस हफ्ते भी। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज की लड़ाई हर दिन होती हुई नजर आती है। इन दोनों के बीच के लड़ाई झगड़े इतने बढ़ चुके हैं कि ये लोग सभी एक दूसरे के परिवार तक पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में कोई सिद्धार्थ शुक्ला की साइड होता है तो कोई आसिम रियाज की साइड, और ये घर बढ़ चुका है दो भागों में। यहाँ पर दो टीम बन चुकी हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर कोई किसी के लिए प्लानिंग कर रहा है तो कहीं पर किसी के लिए कोई साजिश रच रहा है। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है इस बार बिग बॉस सीजन 13 में। सलमान खान भी इन लोगों को समझा कर थक गए हैं, लेकिन अब फिर से वीकेंड का वॉर है और ऐसे में सलमान खान फिर आएंगे, इन सभी की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं आज के बिग बॉस के बारे में कि जब सलमान खान आते हैं तो किस तरीके से इन सभी की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। सलमान खान कभी गुस्से में होते हैं तो कभी प्यार से इनको समझाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सलमान खान को लेकर इस बार के वीकेंड के वार में आखिरकार क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। यदि आप भी जानना चाहते हैं इस बार वीकेंड के वॉर में क्या होगा तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। बता दें आपको कि सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज के लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते जा रहे हैं कि सभी इनसे परेशान हो चुके हैं। ये दोनों जब भी लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं तो एक दूसरे के परिवार तक पर कॉमेंट करने लगते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच जब झगड़ा हुआ तो आसिम ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के पिता को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। नेशनल टेलीविजन पर यह शो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। यहाँ पर लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ और एक दूसरे के परिवार को लेकर बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर यूजर्स तमाम तरीके के कॉमेंट कर रहे हैं। बता दें आपको कि सलमान खान वीकेंड के वॉर में आसिम से कहते हैं कि आपने शुक्ला के पिता को क्राई बेबी क्यों बुलाया, क्या आप जानते हैं शुक्ला के पिता कहाँ हैं? इस पर आसिम कहते हैं जी हाँ। तो सलमान खान कहते हैं कहाँ हैं? आगे आसिम कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आसिम पर गुस्सा निकालते हुए सलमान खान कहते हैं तब आपने ये क्यों कहा, इस वक्त आप सबसे खराब लग रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद बारी आती है सिद्धार्थ शुक्ला की। आसिम के बाद सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला को कहते हैं कि और शुक्ला, आप गुस्से में सारी हदें पार कर देते हो, गुस्से में आपका असल व्यक्तित्व बाहर आता है, आपकी रियल पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है। सलमान रश्मि पर भी निशाना साधते हुए नहीं चूकते हैं। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों की क्लास सलमान खान लगाते हैं तो वहीं दूसरी ओर निशाना रश्मि पर भी जाता है। बता दें आपको कि रश्मि देसाई भी शो में लगातार सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कई बातें कहती हुई नजर आई। ऐसे में सलमान खान ने रश्मि को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, आपको बता दें कि रश्मि देसाई को भी सलमान बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पर एक और शो में लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है तो वहीं पर इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में रश्मि देसाई से सलमान खान
कहेंगे कि आप कैमरामैन को ताने मार रही हो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम आपको शो में नीचा दिखा रहे हैं और आपकी इमेज में नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस घर से बाहर जा सकती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो ये भी कहेंगे कि बिग बॉस दरवाजा खोल दें। जी हाँ, सलमान खान ये भी कहते दिखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सलमान खान आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला पर भी भड़ास निकालेंगे और साथ ही साथ इनको घर से बेघर होने के लिए कहेंगे। सलमान खान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका है और वो इन सभी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार वीकेंड के वॉर में घर में आएंगे गेस्ट के रूप में अजय देवगन और काजोल। जी हाँ, अपनी अपकमिंग फिल्म तानाजी का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर मजेदार टास्क भी किए जाएंगे, जिसे देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बता दें आपको कि यहाँ पर सलमान खान जितने गुस्से में आपको दिखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर वो हंसते मुस्कुराते हुए भी नजर आएंगे। सलमान खान इस बार फिर से इन कंटेस्टेंट को समझाएंगे, इनकी क्लास लगाएंगे। वहीं फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस बार नॉमिनेशन प्रक्रिया में 6 नॉमिनेट हुए। जी हाँ, 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए, जिनमें से विशाल आदित्य सिंह, शेफाली बग्गा, शेफाली जरीवाला, मधुरिमा तुली, माहिरा शर्मा और रश्मि देसाई। रश्मि देसाई को शहनाज गिल ने अपनी पावर के मुताबिक रश्मि देसाई को नॉमिनेट कर दिया। ऐसे में इस हफ्ते घर से बेघर कौन होता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। शो से बाहर कौन जाता है, ये वाकई में दिलचस्प होने वाला है। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सलमान खान इस बार रश्मि देसाई, आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला की जब क्लास लगाते हैं, तो इन पर अब आगे क्या असर पड़ता है? क्या ये लोग एक दूसरे से बुरा भला बोलना बंद करेंगे, जो कि नेशनल टेलीविजन पर एक बुरा असर छोड़ता जा रहा है? ऐसे में ये सलमान खान की बातों को कितना समझते हैं, उनकी लगाई हुई डांट को कितना सीरियस मानते हैं, ये देखना आगे ही चलकर पता चलता है। वेल फ्रेंड्स, आज के वीकेंड के वॉर में ये सभी आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखते हैं कि क्या असर पड़ता है इन कंटेस्टेंट पर, ये देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए दर्शकों, हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे इसी तरीके से वीकेंड के वॉर के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।